गाजीपुर में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल आज गाजीपुर के कसीमाबाद के जुहाराबाद विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वहीं कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई थी। देखिए प्रधानमंत्री क्या संबोधित करेंगे वो करेंगे, जब पूरे सरकारी उपक्रम और संस्थान ये बेच रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रवाद की बात किया, लेकिन आज पूरे संसाधनों को जो है गुरु गोलकर की जो की विचारधारा रही है उसके आधार पर जो है अडानी और अंबानी के हाथों में नीलाम करके देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। आप देखिए 3 तारीख को हमारे कार्यक्रम के लिए भी परम आदरणीय भूपेश बघेल जी आ रहे हैं। 2 तारीख को भी उनका कार्यक्रम जो है MH स्कूल के बगल में जो फुटबॉल का मैदान है वहां पर कार्यक्रम आ गया था, लेकिन यहां का जिला प्रशासन जो है लौटन राम के आने से जो है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जिलाधिकारी ने कह दिया कि मैं परमिशन दे करके मैं अपनी नौकरी नहीं गवाऊंगा। और समाजवादी पार्टी का भी ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया लौटन राम के आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास जुड़ गया कि सबसे लास्ट में गाजीपुर सदर का सपा का प्रत्याशी घोषित किया गया, क्योंकि लौटन राम निषाद सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है। कुशीनगर में यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव कर दिया गया। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस मामले का आरोप बीजेपी के समर्थकों पर लगाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य ने कहा कि उनके पिता पर बीजेपी के लोगों ने हमला कराया है। जानकारी के अनुसार यूपी के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पथराव में करीब 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे फूट गए थे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने जा रहे थे। ये घटना खलवा पट्टी गांव में हुई है। घटना के बाद सपाइयों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है।